हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीक्षित कुमार। हम 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं सॉल्यूशंस के, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बात करी थी। तीन अनुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं अब तक, और एक अनुसंख्यक गुणधर्म हमारा पढ़ना शेष था, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज इस चैप्टर को हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। तो मैं अगला टॉपिक मेरा स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है परासरण दाब। टॉपिक का नाम है परासरण दाब। ये आपकी चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी परासरण दाब, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, परासरण दाब को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा विसरण। क्या समझना पड़ेगा? विसरण। ध्यान से देखें, परासरण दाब को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले देखना होगा विसरण, कि हम विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। तो विसरण के लिए मैं इसकी परिभाषा बताने से पहले आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, वो उदाहरण आपको सोचने हैं, और अगर वो उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए तो इसकी परिभाषा बना लेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए कि आप लोगों ने देखा होगा आपके पूजा घर में कहीं पर कैंडल जलाई हुई है, अगरबत्ती जलाई है आपके घर में किसी ने, और आप किसी दूसरे रूम में बैठे हैं पास ही नजदीक के, तो क्या होता है, कुछ समय बाद उस अगरबत्ती की जो खुशबू है, उस कैंडल की जो फ्रेग्रेंस है, वो आप तक पहुंचती है। या किचन में कोई अच्छा खाना बन रहा है, ठीक है, हलवा बन रहा है या पकौड़ी बन रही है, उसकी खुशबू जिस रूम में बैठकर आप पढ़ रहे हो वहां तक पहुंच जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विसरण। इसका कारण क्या है? विसरण। मतलब अपन जैसे बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण। पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, और ये प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में वॉशरूम वगैरह में नल लगा हुआ है, टंकी ऊपर की ओर है, टंकी में पानी की सांद्रता अधिक है, नीचे नल है वहां पानी की सांद्रता कम है। जैसे ही नल आपने ऑन किया, फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव कहां से हो रहा है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। तो वो भी इसका उदाहरण है, विसरण का उदाहरण है। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मान लीजिए आपने ये कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या लगा दी? ये एक झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी? झिल्ली। अब ये नॉर्मल झिल्ली है, जिसके अंदर जो छिद्र है उन छिद्र का आकार बहुत बड़ा है, सामान्यतया ये सभी को अपने अंदर से जाने देता है। ये आपका विलियन ए, ये आपका विलियन बी। ध्यान से सुने, मैं दोनों विलियन की ही बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक है आपका विलियन ए और एक ही आपका विलियन बी। इसकी सांद्रता मैं ले रहा हूं C1, इसकी मैं सांद्रता ले रहा हूं C2, और मैं ये कह दूं कि विलियन ए की सांद्रता विलियन बी की सांद्रता से अधिक है। फिर समझना, मैंने दो विलियन लिए हैं, एक है विलियन ए, दूसरा है विलियन बी, और मैं ये कह रहा हूं कि विलियन ए की सांद्रता विलियन बी की तुलना में अधिक है। मतलब विलियन ए की सांद्रता अधिक है, मतलब क्या बोलते हैं हम, कि यहां पर विलेय की मात्रा अधिक होगी, मतलब तुलना में किसके है तो विलायक, विलेय की मात्रा कम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि विलायक से विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में यहां पर विलेय की मात्रा क्या होगी? विलेय की मात्रा अधिक होगी। विलेय की मात्रा यहां पर क्या होगी? अधिक। तो इसकी तुलना में यहां किसकी मात्रा अधिक होगी? विलायक की मात्रा। बात आ रही है समझ में? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहां पर विलेय की मात्रा अधिक है, तो यहां पर किसकी मात्रा अधिक होगी? विलायक की मात्रा अधिक होगी। किसकी मात्रा अधिक होगी? विलायक की मात्रा अधिक होगी। ध्यान से देखना, अब यहां पर विसरण की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है? उच्च सांद्रता से निम्न, तो विलेय के पार्टिकल्स, जो विलेय के कण है, वो यहां अधिक है और यहां कम है, तो विलेय के कण तो यूं जाएंगे। विलेय के कण का गमन कहां से होगा? विलयन ए से होता हुआ हो जाएगा विलयन बी में। और विलायक के कण कैसे जाएंगे? तो विलायक के कण जाने का गमन होगा कुछ इस तरह, विलायक के कण जो है वो बी से जाएंगे ए की तरफ।
तो ये था आपका विसरण, क्या था विसरण, जिसके अंदर हमने बात करी कि आपके पास दो विलयन है ए और बी, जो उसके अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन को हम क्या कहते हैं विसरण। तो ये था आपका पहला टॉपिक, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक होगी, ये प्रोसेस कब तक होगी, तब तक होगी जब तक दोनों तरफ सांद्रता जो है वो बराबर नहीं हो जाए। आपको कोई पूछे कि ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यूस होगी, तो अंटिल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स, मतलब जब तक दोनों और सांद्रता बराबर नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये था आपका विसरण, हमने परासरण दाब पढ़ना है, लेकिन हमने पहले विसरण की बात करी, उसके बाद अपन परासरण दाब तक जाएंगे। अब विसरण के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मीन परासरण का क्या है, सिर्फ परासरण, फिर परासरण दाब पढ़ेंगे। तो अगला अपन ले रहे परासरण, अगला है परासरण, अगला हम जो बताने जा रहे हैं वो है परासरण। अभी हमने विसरण पढ़ा जिससे पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे थे, अब मैं बात कर रहा हूं परासरण की। तो उसके लिए एक बार हम समझेंगे कि क्या होता है परासरण। तो एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, हमने ये कंटेनर लिया, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर क्या किया, एक हमने यहां पर लगा दी झिल्ली, ये क्या लगाई झिल्ली, लेकिन इस झिल्ली की खासियत है ये झिल्ली है अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये क्या है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको हम एनिमल मेम्ब्रेन से बनाते हैं, ठीक है, जंतु झिल्ली से इसको बनाया जाता है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। यहां पर आपने क्या कर रखा है, एक पिस्टन यहां लगा हुआ है और एक पिस्टन यहां लगा हुआ है, यहां दोनों पर अभी दाब है एक वायुमंडलीय दाब, अभी दोनों जगह दाब कितना है समान दाब है, एक वायुमंडलीय दाब, यहां भी कितना है एक वायुमंडलीय दाब, दोनों और दाब क्या है समान। अब यहां विलयन बना है ए, यहां विलयन बना है बी, ठीक है, इसकी सांद्रता है C1, इसकी सांद्रता है C2, C1 की सांद्रता C2 से अधिक है, ध्यान, खाली जो बात बता रहा हूं वो समझते जाना। क्या किया हमने, एक कंटेनर लिया, दो विलयन भरे ए बी, ए की सांद्रता C1, बी की सांद्रता C2, C1 की सांद्रता C2 से अधिक है, दोनों तरफ एक पिस्टन लगे हुए हैं जिन पर दाब है एक वायुमंडलीय दाब, इसके अंदर जो हमने झिल्ली उपयोग में ली है उस झिल्ली का नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब इसका मतलब समझा, अर्ध का मतलब होता है कुछ कुछ, अर्ध का मतलब होता है कुछ कुछ, पारगम्य का मतलब होता है आर पार जाने देना, ठीक है, मतलब ऐसी झिल्ली जो कुछ कुछ पदार्थ को अपने अंदर से आर पार जाने देती है, ये कहलाएगी हम अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्या कहलाएगी अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो मैं ये कह रहा हूं किसको जाने देगी और किसको नहीं, तो क्योंकि इसकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी है तो क्या करेगी ये कि विलय के कणों को तो रोकेगी, विलय के कण क्या होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो विलय के कणों को तो ये क्या कर लेगी, विलय के कण की साइज क्या होती है बड़ी होती है विलय, तो विलय के कण तो इसके अंदर से नहीं जा सकते, समझे, आपके पास क्या है विलय और विलायक, ठीक है, तो विलय के कणों का आकार तो क्या है ज्यादा है, विलय के कणों का आकार क्या होता है जनरली सामान्यतः ज्यादा होता है, और विलायक के कणों का आकार क्या होता है छोटा, तो ये क्या करेगा इसकी खासियत सुनना, ये विलय के कणों को अपने अंदर से नहीं जाने देगा, विलायक के कणों को अपने अंदर से जाने देगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसकी सांद्रता अधिक है मतलब यहां पर क्या अधिक होगा विलय की मात्रा, यहां पर अधिक है विलय की मात्रा अधिक, यहां पर किसकी मात्रा अधिक है विलायक की मात्रा अधिक है, तो मुझे बताइए यहां पर कणों का गमन किस तरफ होगा। तो मैंने पहले ही बताया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च कहां पर है विलायक की मात्रा यहां अधिक है, तो यहां से विलायक के कण, विलायक के कण विलयन बी से विलयन ए की ओर गमन करते हैं, फिर बोल रहा हूं मैं यहां पर विलायक बी के कण विलयन बी से ए की ओर गमन करते हैं, तो विलायक की मात्रा यहां पर कम होती जाएगी और यहां पर बढ़ जाएगी, क्या हुआ, तो फिर क्या होगा कुछ समय बाद जब विलायक की मात्रा यहां बढ़ेगी तो विलायक के कण वापस इस तरफ आएंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहती है जिसे हम कहते हैं परासरण। अब परासरण की परिभाषा सुनना, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डेफिनेशन बता रखी है विसरण के बारे में, तो कह रखा है कि पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है, और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है परासरण।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई सारी बुक में यू दे रखा है कि वहां पर भी परासरण में भी क्या होता है उच्च से निम्न, तो इसकी दो परिभाषाएं मैं बोल रहा हूं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण विलायक की उच्च सांद्रता, देखो यहां पर विलायक की सांद्रता क्या अधिक है ना, तो उच्च सांद्रता किसकी, विलायक की। यदि किसी प्रक्रिया के दौरान विलायक के कण विलायक की उच्च सांद्रता से उसकी निम्न सांद्रता की ओर गमन करें तो वो भी परासरण। और विलयन का देखो, विलयन C2 की सांद्रता कम है, विलयन C1 की सांद्रता अधिक है, तो आप C2 से C1 में जा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो ना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हो। तो अगर विलयन की बात की जाए तो क्या कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ कण निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करे तो उसे हम क्या कहते हैं, परासरण। ये बन गई आपकी परासरण की डेफिनेशन। तो उम्मीद करता हूं परासरण आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब अपन ले रहे हैं परासरण दाब, क्या ले रहे हैं, परासरण दाब। अब ये प्रक्रिया कब होगी, मैंने ये जितना भी बताया परासरण के बारे में, वो कब होगा, जब यहां पर और यहां पर लगने वाला दाब क्या हो, बराबर, क्या हो, बराबर। अब आपने क्या कर दिया, आप ये चाह रहे हो कि विलायक के कण जो इस तरफ आ रहे हैं उसको किसी भी तरीके से रोक लिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, ये विलायक के कणों का गमन जो बी से ए की ओर आ रहा है उसे किसी भी तरीके से क्या कर दे, रोक ले, रोक लिया जाए, तो उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो आपने क्या किया, उसके लिए यहां पर आपने दाब इसकी तुलना में दाब थोड़ा अधिक लगाया और इतना दाब लगाया जिससे ये विलायक के कण जो इस तरफ आ रहे हैं वो रुक जाए। तो परासरण दाब की परिभाषा क्या बनी, परासरण दाब वह न्यूनतम दाब होता है जो विलायक के परासरण को रोकने में मददगार होता है। मतलब यहां पर जो परासरण हो रहा है इसको परासरण कहते हैं ना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, तो इस परासरण को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब यहां से लगाया जाएगा उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। तो हम कहेंगे परासरण को रोकने हेतु यहां से लगाया जाने वाला न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं, और परासरण दाब को हम इंडिकेट करते हैं पाई से, किससे बताते हैं, पाई। तो यहां लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। तो ये था आपका परासरण दाब, और यहीं से एक तो था ऑस्मोसिस परासरण, और एक अपन पर पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम कहते हैं आरओ, क्या कहते हैं, आरओ। मतलब इसको रिवर्स ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं, मैं थोड़ा सा मिस आउट कर रहा हूं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, अब ये क्या किया, आपने इसको रोकने के लिए जितना दाब चाहिए अगर उतना ही लगाया तो ये रुक जाएगा, लेकिन मान लो आपको पाई दाब लगाना था, लेकिन आपने जो दाब लगाया है, आपने यहां पर जो दाब लगाया है वो दाब अगर पाई से भी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जो काम यू हो रहा था वो काम अब उल्टा हो जाएगा, अब विलायक के कण इस तरफ गमन करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपकी जो गवर्नमेंट बुक दे रखी है उसके पीछे इसका प्रश्न जरूर दे रखा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस को परिभाषित कीजिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो ये था आपका परासरण दाब, क्या था, परासरण दाब, जिसके बारे में हमने बात करी। अब परासरण दाब के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने नियम दिए, परासरण दाब के संबंध में वैज्ञानिकों ने क्या किए, अपने नियम दिए, जिसमें सबसे पहला है वॉन्ट ऑफ बोइलो। सबसे पहला कौन सा है, वॉन्ट ऑफ बोइल का नियम, सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए हैं वो थे वॉन्ट ऑफ बोइल का नियम। तो देखो वॉन्ट ऑफ ने क्या बताया वो ध्यान से समझना, ठीक है। तो वॉन्ट ऑफ ने ये कहा, उसने ये बताया कि जैसे ये पता करना था कि आखिर किसी भी विलयन पर कितना परासरण दाब चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप कैसे बताएंगे, आपको मैं एक विलयन दे दूं जिसमें ए और बी लगा है और मैं आपको कहूं कि इस पर दाब लगाइए इतना किसका परासरण रुक जाए, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कितना दाब। तो उसने ये संबंध स्थापित किया कि किसी भी विलयन पर लगाया जाने वाला परासरण दाब उसी विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या कहा उसने, कि विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी आपको उतना ज्यादा परासरण दाब लगाना पड़ेगा। देखो लैंग्वेज आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। तो क्या कहा इसने, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। क्या कहा, कि पाई जो है लगाया जाने वाला परासरण दाब उसी विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। और अब देखो सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता आपको पता होना चाहिए, सांद्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा आयतन उतनी कम सांद्रता, और जितनी कम आयतन उतनी अधिक सांद्रता।
तो सांद्रता जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब मैं ये कह रहा हूं ये इसके समानुपाती है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए, तो आपके पास आ जाएगा बॉयल का नियम, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आपको दाब चेक करने के लिए क्या चेक करना है, वॉल्यूम, आयतन जितना अधिक दाब उतना कम, आयतन जितना कम दाब उतना अधिक, इन दोनों में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये पहला नियम था वॉन्टॉफ बॉयल का नियम, कौन सा नियम था, वॉन्टॉफ बॉयल का नियम। अगला जो आपके सामने आ रहा है वॉन्टॉफ ताप दाब का नियम है, अगला कौन सा है, वॉन्टॉफ ताप दाब का नियम, वॉन्टॉफ ताप दाब का नियम, ठीक है। तो वॉन्टॉफ ताप दाब के नियम में क्या किया था, तो वॉन्टॉफ ने परम ताप और परासरण दाब के मध्य एक संबंध स्थापित किया था, तो इसने यह बताया कि किसी भी विलयन का परासरण दाब, सुनना ध्यान से, किसी भी विलयन का परासरण दाब उसी विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, यह बताया था उसने। मतलब क्या, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्या बताया था इसे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इसने ये कहा था कि किसी भी विलयन का परासरण दाब उसी विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर एक। तो ये मिल गया आपको समीकरण नंबर एक। अब आपने अभी पढ़ा था क्या, वॉन्टॉफ बॉयल के नियम से, वॉन्टॉफ बॉयल के नियम से, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वी। देखो मैं बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं वन बाय वी बोल रहा हूं तो डायरेक्टली कह सकता हूं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वी, या मैं कहूं तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वी, इक्वेशन नंबर टू। अब देखो ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों को साथ लिख सकते हैं। तो समीकरण एक व दो से क्या होगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय वी। अब हमें पता होना चाहिए क्या, कि यहां पर हमें अगर इसको हटाना है, इसको समानुपाती के चिन्ह को, तो हमें जोड़ना होगा नियतांक, और वो नियतांक मैं जोड़ रहा हूं पाई इज इक्वल टू एस टी बाय वी, क्या जोड़ा मैंने, एस, जहां पर है एस, जहां एस बराबर विलयन स्थिरांक है, एस बराबर क्या है, विलयन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और देखो ये जो पाई का मान आ रहा है वो किसके लिए, एक मोल के लिए, ये पाई का मान किसके लिए आ रहा है, एक मोल के लिए। अगर मैं ये कहूं कि आपको पाई का मान निकालना है एन मोल के लिए, आपको पाई का मान निकालना है एन मोल के लिए, आपको पाई का मान निकालना है एन मोल के लिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि एक मोल का इतना, तो एन मोल का कितना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका, पाई इज इक्वल टू एन एस टी बाय वी, पाई इज इक्वल टू एन एस टी बाय वी। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, क्या गया, पाई इज इक्वल टू एन एस टी। अब आप देखिए ये इक्वेशन आपको कहीं सुनी सुनी लगेगी, आपने क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्थाएं आदर्श गैस समीकरण पढ़ रखा है, जहां पर ये पाई, तो वहां क्या था, पी, पी का मतलब भी दाब और पाई का मतलब भी दाब, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उस हिसाब से आपका S का और R का मान समान होता है, इसलिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्या लिख सकता हूं, पाई इज इक्वल टू एन आर टी। अब मैं पाई को अगर यू लिख दू पाई इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम वो कहलाता है कंसंट्रेशन, याद रखना ये, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ जाएगी पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन से बनी हुई आपका ओस्मोटिक प्रेशर निकालने की इक्वेशन है। अगर आप ओस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहते हो पाई, तो उसका फॉर्मूला आ गया आपके पास सी आर टी, इस फॉर्मूले से आप ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास परासरण दाब निकालने का तरीका। अब जो हमें अगली बात करनी है वो है रिलेशन बिटवीन ओस्मोटिक प्रेशर एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये कि परासरण दाब तथा विलेय के आणविक द्रव्यमान के बीच में संबंध, ठीक है। तो मैं सुनता रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ चुका होगा, नोट से देखें आप। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक इज पराशरण दाब तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। अब देखो आपके पास क्या आया, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। पाई इज इक्वल टू एन आर टी, एन किसका लिया आपने, विलेय का। तो अब आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि क्या पता है आपको, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एन डी। ठीक है, ये समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो। समीकरण एक व दो से तो पाई भी क्या आ जाएगा आपके पास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एम बी उधर ले लो तो एम बी बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी डिवाइड बाय पाई बी। ये आ गया आपके पास परासरण दाब तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। तो ये टॉपिक था आपका संबंध निकालने का। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला मैं ले रहा हूं कि परासरण दाब के अनुसार विलयन कुछ अलग अलग प्रकार के, एक है आपका, तीन प्रकार के विलयनों की बात करनी है। एक है आपका समपरासरी, दूसरा है अति पराशरी और तीसरा है अल्प पराशरी। ध्यान से देखना, तीनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आती है और न्यूमेरिकल में भी पूछता है। न्यूमेरिकल समपराशरी से संबंधित आते हैं। समपराशरी, सम का मतलब समान और पराशरी का मतलब परासरण दाब। मान लो आपके पास दो विलयन है, विलयन ए और विलयन बी। इसका परासरण दाब है पाई वन, इसका परासरण दाब है पाई टू। अगर किसी दो विलयनों के परासरण दाब समान हो तो वे दोनों विलयन आपस में कहलाएंगे समपराशरी। ऐसे दो विलयन जिनके क्या हो, परासरण दाब आपस में समान हो। तो पाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सी वन आर टी वन, सी टू आर टी टू, आर से आर कैंसल, तो आपके पास आर बन जाएगा सी वन टी वन इज इक्वल टू सी टू टी टू। और इसी आधार पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं आगे। अगला है अति पराशरी, आपके पास दो विलयन है ए और बी। अगर ए का परासरण दाब बी से अधिक है तो ए जो है वो बी की तुलना में क्या कहलाएगा, अति पराशरी। मतलब ए का परासरण दाब बी की तुलना में अधिक है, और अगर बी को ए की तुलना में कहा जाए तो क्या कहेंगे, अल्प पराशरी। मतलब बी का परासरण दाब ए की तुलना में कम है। तो ये तीन परिभाषाएं आपको देखनी थी, सम पराशरी, अति पराशरी और अल्प पराशरी। तो ये तीन प्रकार के टॉपिक आपको यहां पर देखने थे। अब मैं अगली बात करने जा रहा हूं, ये आपका यहां पर परासरण दाब, चौथी अणुसंख्यक गुणधर्म यहां पर पूरा हुआ। मतलब हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म चार हमको पढ़ने थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हमने पढ़ा हिमांक में अवनमन और चौथी हमने पढ़ी परासरण दाब। इस तरीके से हमने हमारे चारों अणुसंख्यक गुणधर्म पूरे किए। अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वॉन्ट ऑफ गुणांक, अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वॉन्ट ऑफ गुणांक। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉन्ट ऑफ गुणांक, वॉन्ट ऑफ गुणांक। अब क्या होता है वॉन्ट ऑफ गुणांक और इसको आने की जरूरत क्यों पड़ी, ये दोनों चीजों की बात करेंगे। आई थिंक इसमें इंक की जरूरत है हमें, हम इंक रिफिल कर देते हैं एक बार। तो यस, वॉन्ट ऑफ गुणांक। अब सबसे पहली बात करेंगे हम कि वॉन्ट ऑफ को आने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, ऐसा क्या हुआ कि वॉन्ट ऑफ को आना पड़ा, तो ध्यान से समझना है एक बार। अब तक हमने जो भी विलेय पदार्थ लिए, जितने भी विलेय पदार्थ लिए, वो हमने कौन से लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, मतलब ये कि अब तक अपन ने लिए तो मान लिए कौन सा लिया हमने, ग्लूकोज लिया, शुगर लिया, इस तरीके से लिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। ठीक है, मतलब अविद्युत अपघटक, अविद्युत अपघटक। ठीक है, अब अपन ले रहे हैं अपघटन, ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, अब अपन ले रहे हैं अपघटन लवण। कौन सा ले रहे हैं, अपघटन लवण।
अब अपघटे लवण लेने से क्या होता है, आपने क्या कर रखा है, अनुसंघ के गुणधर्म निकालना सीख लिया पहले कि अनुसंघ के गुणधर्म चार तरीके से निकलेगा। लेकिन अपघटे की वजह से क्या हुआ कि अपघटे की खासियत होती है कि आपने डाला NaCl और ये NaCl विलयन में जाने के बाद टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस। इसको हम कहते हैं समूरन, क्या कहते हैं आयनन, सॉरी इसको क्या कहते हैं आयनन, आयनों में टूटना। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपने CH3COOH लिए थे कितने दो, और ये इधर जाकर एक ही CH3COOH बन गया, इसको हम कहते हैं समूरन, इसे हम कहते हैं समूरन। ध्यान से समझना, मतलब हमने क्या लिया, जो विलेय पदार्थ लिया अगर वो अपघटे प्रकृति के हैं तो क्या होगा, या तो वो विलयन में जाकर टूट जाएंगे या विलयन में जाकर जुड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमने कहा था कि अनुसंख्यक गुणधर्म जितने भी हैं उनके बारे में हमने बात करी थी कि वे गुणधर्म जो केवल और केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो आपने जो क्या कहा, आपने जो अनुसंख्यक गुणधर्म की गणना करी वो आप यह सोच रहे हो कि मैंने एक NaCl डाला एक मोल, तो अंदर भी कितना ही माना आपने, अंदर एक ही मोल होगा यही माना, लेकिन अंदर जाके क्या हुआ, एक मोल ये बना और एक मोल ये बना, आपने डाला एक मोल, अंदर जाकर बन गए दो मोल, कितने मोल बने दो मोल, यहां पर आपने डाले दो मोल, अंदर जाकर बन गया एक मोल। मतलब इससे क्या हुआ कि एक तो आपने सैद्धांतिक तरीके से निकाले अनुसंघिक गुणधर्म, तो इससे क्या हुआ सैद्धांतिक अनुसंघिक गुणधर्म, सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म जो आपने निकाला, कैसे निकाला, तो आपने अभी चारों प्रॉपर्टी को डेराइव करना सीखा था तो वो आपने निकाला उस तरीके से, वो सैद्धांतिक है। और प्रेक्षित, प्रेक्षित का मतलब है कि आपने जो कैलकुलेट किया वो तो ये आ गया, और जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब ये कि आपने किसी मीटर की सहायता से चेक किया, तो वो प्रेक्षित अनुसंघिक गुणधर्म, उन दोनों में क्या आ गया अंतर आ गया। अब आप तो निकाल कर बैठ गए, आपने एक मोल के हिसाब से निकाल दिया तो वो तो आ गया सैद्धांतिक, लेकिन प्रेक्षित अनुसंघिक गुणधर्म किसके लिए आ रहा है, दो मोल के लिए। मतलब सैद्धांतिक अनुसंघिक गुणधर्म और प्रेक्षित अनुसंघिक गुणधर्म दोनों क्या थे, बराबर नहीं आए। और जब ऐसा हुआ तो वोनटॉप को ये बात पता पड़ी कि यार ये तो अपघटे की वजह से ऐसा परिवर्तन आ रहा है, तो उसने कहा कि आपने जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाल दी है वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी, सारी की सारी चेंज होगी, ऐसा तो है नहीं एक ही चेंज होगी, क्योंकि ये तो किसके ऊपर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा, और यह मात्रा आप एक कह रहे हो लेकिन है दो, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होती है, क्या हो जाएगा अनुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन आया, और इसका कारण था कौन, असामान्य अणुभार। एक टॉपिक है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, हिंदी मीडियम में भी है ये असामान्य अणुभार। तो आपने क्या किया, यहां कुछ और अणुभार सोचा था, अंदर जाके कुछ और अणुभार आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ परिवर्तन हो गया किसमें, अनुसंख्यक गुणधर्मों में, और ये कितना परिवर्तन हुआ वही बताता है हमें वोनटॉप। वोनटॉप क्या संबंध बताता है कि अनुसंख्यक गुणधर्मों में कितना परिवर्तन हुआ। अब अपन इसकी बात करेंगे, किसकी, वोनटॉप की, कि वोनटॉप क्या कह रहा है। तो वोनटॉप ने ये कहा कि अगर हम अपघटे विलेय पदार्थ का उपयोग करते हैं तो वे विलयन में जाने के पश्चात आयनित तथा संगुणित हो जाते हैं, जिसके कारण अनुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है, और उसे बताने के लिए आई ने सिद्धांत दिया था। इसे हम वोनटॉप गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर आई का मान निकालना हो तो आयनन अथवा संगुणन, आयनन अथवा संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, आयनन अथवा संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या बटे आयनन अथवा संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या, इस तरीके से निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं आई का मान, तो आई का मान आयनन अथवा संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या और आयनन अथवा संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या, तो दो केस होंगे आपके पास, या तो होगा आयनन या होगा संगुणन, ध्यान से समझना। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आयनन का आपने लिया था क्या NaCl, ये अंदर जाकर क्या हो गया Na प्लस और Cl माइनस। तो देखो अगर इसके लिए मुझे आई का मान निकालना है
तो यहां पर मोल कितने हैं एक, यहां पर मोल कितने हो गए दो। तो आई का मान कैसे निकालूंगा मैं, आई बराबर आयनन अथवा संघनन के पश्चात कितने मोल है दो, दो आयनन के पूर्व कितने मोल है एक, तो दो बटा एक आई का मान कितना आ गया दो। अब मैं यहां पर ले रहा हूं सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच और बेंजीन जैसे विलायक की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं द्विलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं द्विलक, द्विलक का मतलब होता है डाइमर। एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है सी एच थ्री सी डबल बोन ओ ओ एच और यहां पर आपके पास आ गया ये ओ सी सी एच थ्री डबल बोन ओ। तो देखो यहां पर क्या हो गया आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहां पर भी क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब आपने क्या सोचा था कि मैंने दो मोल एसिडिक अम्ल डाला, कितना डाला दो मोल, लेकिन ये एक मोल ये रहा एक मोल ये रहा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। मतलब आपने डाले थे दो मोल लेकिन वो दोनों मोल जुड़कर क्या बन गया एक। तो इसका कैसे बना वो भी मैंने यहां पर बता दिया सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, तो ये एक मोल बन गया। तो अब देखो एक मोल बनने के बाद अब क्या हुआ, आपने यहां कितने थे दो, यहां कितना था एक। तो अब आई का मान निकालो, आयनन अथवा संघनन के पश्चात मोलों की संख्या एक, आयनन अथवा संघनन के पूर्व मोलों की संख्या दो। तो आई का मान क्या आ गया 0.5, आई का मान कितना आ गया 0.5। मतलब ये कि यहां पर एक था यहां पर दो मोल, तो कितने गुना की वृद्धि हुई। आई हमें क्या बताता है फिर सुनना, आई हमें ये बताता है कि अणु संख्यक गुणधर्मों में कितने गुना की वृद्धि हुई, वो हमें आई जो है वो बताता है। अब ध्यान से सुनिए, अब आपके पास तीन केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे तीन केस बन सकते हैं, कौन कौन से तीन केस। तो पहला केस आपके पास बनेगा कि आई इज इक्वल टू जीरो, पहला आई का मान किसके बराबर हो वन के बराबर, पहला केस क्या यदि आई का मान एक के बराबर हो। दूसरा अगर आई का मान एक से अधिक हो, दूसरा कब जब आई का मान एक से अधिक हो, और तीसरा केस हो सकता है अगर आपका आई का मान एक से कम हो। ये टोटल तीन केस आपके पास बनेंगे, पहला यदि आई का मान एक के बराबर आए तो क्या, यदि आई का मान एक से अधिक आए तो क्या, और यदि आई का मान एक से कम आए तो क्या। यदि आई का मान एक आ रहा है अर्थात ना तो संघनन और ना ही आयनन, क्या होगा ना तो संघनन होगा और ना ही आयनन, ना तो संघनन और ना ही आयनन, ठीक है। अब आई का मान एक से अधिक आ रहा है तो देख लीजिए NaCl का एग्जांपल लिख लीजिए NaCl Na प्लस Cl माइनस, यहां पर एक मोल था यहां पर दो मोल, आई का मान क्या आ जाएगा दो बटे एक, तो आई का मान क्या आया दो। अब आई का मान दो आ रहा है वो एक से अधिक है, और एक से अधिक है इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए, एक से अधिक है तो क्या हो रहा है आयनन, एक से अधिक है तो क्या हो रहा है आयनन, एक से अधिक है तो क्या होगा आयनन होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब यहां पर टू सी एच थ्री सी डबल एच था, यहां जाकर क्या बन गया सी एच थ्री सी डबल एच वोल्ट वाइज, तो यहां पर दो मोल थे यहां एक मोल हो गया, तो आई का मान क्या हो गया एक बटा दो जो एक से कम है, और आई का मान एक से कम है मतलब क्या होगा संघनन। अब यहां से अभी हाफ ईयरली में बहुत अच्छा प्रश्न आया था, यहां पर आपको पूरा न्यूमेरिकल दे रखा था और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको बताना था कि विलेय में आयनन हो रहा है या संघनन हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आई का मान निकालना है, आई का मान अगर आप निकाल लेते हो तो आपको पता पड़ जाएगा अगर आई का मान एक आया तो ना संघनन होगा ना ही आयनन होगा, अगर आई का मान एक से कम आया तो आपके पास क्या होगा संघनन होगा, और आई का मान एक से अधिक आया तो आपके पास क्या होगा आयनन होगा। अब ये आई बराबर वन का केस भी समझ लो, आई बराबर वन का केस मतलब ये कि आपने यहां पर कोई एक मोल डाला और वो यहां पर भी एक मोल ही है, दोनों तरफ एक मोल है, तो पहले भी एक मोल बाद में भी एक मोल, तो आई का मान क्या आ गया एक, इसलिए उसमें ना तो संघनन हो रहा है और ना ही आयनन हो रहा है। तो वॉन्टॉक ने क्या किया कि कितना परिवर्तन आया, तो अब आपको चेक करना है कितने गुना चेंज हुआ, तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी थी वाष्पदाब, किसकी थी वाष्पदाब, तो वाष्पदाब की प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ये था। तो अब इसमें क्या करोगे आप, यहां पर जोड़ दोगे आगे आई, तो ये आपके पास सही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। दूसरी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके संबंध में थी, तो दूसरी थी आपके पथनांक के संबंधित, किसके संबंधित थी पथनांक के संबंधित, तो पथनांक के संबंधित भी क्या था डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, क्या थी डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, इसके आगे भी क्या जोड़ दो आप आई, तो ये आपकी नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। मतलब क्या परिवर्तन हो रहा है वो बता रहे अपन,
तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके किसके आधार पर थी, हिमांक के आधार पर। तो क्या बताया था आपने, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, यहां पर भी आपने क्या जोड़ दिया आई। और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी किसके आधार पर थी, तो चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपके पास परासरण दाब, जिसके बारे में जो आज ही पढ़ी हमने, परासरण दाब। तो परासरण दाब हमें क्या कह रहा था, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यहां भी आगे क्या जोड़ देगा आई। तो इस तरीके से आपके पास नई अणुसंख्यक गुणधर्म आएंगे चारों चार, तो वो इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। पर अब आपके पास दो चीजें थी, आयनन और संगुणन। तो अगला टॉपिक हमारे पास है आयनन और संगुणन में संबंध। अगला टॉपिक क्या है, आयनन और अनुगुणन में संबंध, ठीक है। अगला है वॉन्ट ऑफ गुणांक, वॉन्ट ऑफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा में संबंध। अगला टॉपिक है वॉन्ट ऑफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा। अब क्या हो रहा है, आयनन मतलब आपने डाला एक मोल और वो अंदर जाकर बन गए दो या दो से अधिक, आपको नहीं पता है, एन मोल की बात करनी है आपको, कितने मोल की बात करनी है, एन मोल की। पर अब आपको टॉपिक समझना है, टॉपिक खास तरीके से समझेंगे। टॉपिक में आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक चीज ये बतानी है कि वो शत प्रतिशत आयनित नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टूट गया, उसका कुछ ही भाग टूटेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने यहां पर लिया ए और उसके बन गए एन बी मोल, क्या बन गए एन बी मोल। तो आपको क्या करना है, आयनन के पूर्व, आयनन के पूर्व मोलों की संख्या, आयनन हुआ ही नहीं अभी, तो ये जो पूरा एक मोल होगा और ये कितना हो जाएगा जीरो, ध्यान से समझना, अभी तक आयनन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये तो एक मोल होगा और ये जीरो, और एक मोल के संबंध में ही चेक किया जाता है, याद रखना। दूसरा आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, दूसरा क्या है, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, आयनन के पश्चात मोल कितने होंगे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आयनन की मात्रा को हम बताते हैं अल्फा से, किससे बताते हैं अल्फा, पूरा नहीं हो रहा है डिसोसिएट, अगर पूरा होता तो ये जीरो हो जाता और ये वन बन जाता या एन बन जाता, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये कितना टूटा, तो अल्फा टूटा, कितना टूटा अल्फा, तो यहां से कितना जाएगा वन माइनस अल्फा, तो यहां कितना बनेगा, ये टॉपिक है। तो यहां कितना बनेगा वो समझने के लिए मैं यहां पर एनएससीएल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, एनएससीएल टूटा, एनए प्लस और सीएल माइनस बना। तो अब देखना यहां से एक मोल टूटा तो एक मोल इसका और एक मोल इसका बना, आ रही बात सुन रहे। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये वन में से अल्फा टूटा तो यहां जितने होंगे उतने अल्फा नहीं बनेंगे, तो मैंने कितना कहा एन मोल कहा है, तो एन मोल के लिए नया कितना बनेगा एन अल्फा, कितना बनेगा एन अल्फा, कितना बन जाएगा एन अल्फा। अब आपको क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आई का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आयनन के पूर्व मोल की संख्या, मोलों की संख्या, आयनन के पूर्व मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, तो आयनन के पूर्व मोलों की संख्या निकालिए वन प्लस जीरो बराबर वन, मोल संख्या कितनी होगी वन। दूसरा आप क्या करोगे, आयनन के पश्चात, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, आयनन के पश्चात। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आयनन के पश्चात तो एन अल्फा है, नहीं कुछ भाग ये भी तो बचा है, ये पूरा थोड़ी चला गया है, अब मतलब आयनन हो चुका है जितना होना था उतना। तो अब विलयन में आपके पास कितने मोल पड़े हैं, तो कुछ मोल इसके पड़े हैं कुछ मोल इसके पड़े हैं, तो आपके पास क्या आया वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, क्या आया वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसको कैसे लिख सकते हो, वन प्लस अल्फा कॉमन एन माइनस वन, क्या बच्चा आपके पास वन प्लस अल्फा कॉमन एन माइनस वन। अब आपको पूछा जाए कि आई का मान निकालिए, तो अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, अब आपको पूछा है क्या कि आई का मान निकालिए, तो आई बराबर क्या है, आयनन के पूर्व मोलों की संख्या, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या बटे आयनन के पूर्व मोलों की संख्या, बटे आयनन के पूर्व मोलों की संख्या, ठीक है। तो अब देखो आई बराबर आयनन के पश्चात कितने मोल आ रहे हैं, तो आयनन के पश्चात ये वाला आ रहा है आपके पास, तो वन प्लस अल्फा एन माइनस वन डिवाइड बाय आयनन के पूर्व कितने मोल थे वन। अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूं वापस, तो अब आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे वन है तो मतलब ही नहीं है, आई बराबर आ जाएगा वन
प्लस अल्फा एन माइनस वन, ये वन उधर चला जाएगा, आई माइनस वन बराबर अल्फा एन माइनस वन। तो आपके पास अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आई माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन। ये आ गया आयनन की मात्रा तथा वोल्टोक गुणांक में संबंध जो सबसे पहला है। अब ये आयनन की बात कर रहे हैं तो अपन यहां तक ठीक है, लेकिन अगर अपन संगुणन की बात करें तो फिर दूसरा संबंध आएगा, वोल्टोक गुणांक तथा संगुणन की मात्रा में संबंध। तो ये था पहला, वोल्टोक गुणांक तथा आयनन की मात्रा में संबंध। इसको नोट से आप देखें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं वोल्टोक गुणांक तथा संगुणन की मात्रा में संबंध। अब हम अगला ले रहे हैं वोल्ट ऑफ गुणांक, अगला है वोल्ट ऑफ गुणांक तथा संगुणन। तो संगुणन की मात्रा को भी हम अल्फा से बताएंगे, संगुणन की मात्रा में संबंध। और यहां पर भी यही बात है कि ये शत प्रतिशत संगुणित नहीं हो रहा है। क्या किया आपने यहां पर, एन ए मोल लिए और वो यहां आकर बन गया ए एन। एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल क्या था आपके पास, सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, दो मोल लिए थे, यहां आकर क्या बन गया ये सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच होल ट्वाइस। मतलब यहां आगे जितने मोल है वही मोल यहां आकर पीछे हो जाएंगे। तो देखो यहां टू था आगे, यहां टू पीछे लिया, तो यहां मैं एन मोल आगे ले रहा हूं तो यहां एन मोल पीछे हो जाएंगे, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। तो क्या होगा आपके आयनन के पूर्व, सॉरी संगुणन है यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या। तो यहां एक संगुणन हुआ ही नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैं कह रहा हूं संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या। तो यहां पर वन माइनस अल्फा कितना हुआ, अल्फा का संगुणन हो गया तो वन माइनस अल्फा, तो यहां कितना बनेगा, अल्फा बाय एन। अब ये चीज बहुत कंफ्यूज करेगी कि सर ये अल्फा बाय एन कैसे हुआ, तो अब मैं यहां बता देता हूं, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ एग्जांपल। अब देखना मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक था, जब एक मोल के लिए कह रहा हूं, यहां एक मोल था तब यहां जीरो था, ठीक है। अब यहां एक में से कुछ गया तो यहां कितना बनेगा, जितना वहां से गया उतना ही यहां बन रहा है। या संबंध में देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर दो मोल थे आपके पास, यहां एक मोल बन गया, तो यहां एक मोल कैसे ज्ञात किया आपने, तो ये पीछे जो था दो और वहां से जितना गया वो डिवाइड किया आपने, तो दो में से दो को डिवाइड किया तो एक बचा, इसलिए आपका आंसर आया था ना एक। फिर सुनना, यहां लिख देता हूं मैं अलग से, इसको वहां मिटा देता हूं, आपको नहीं आएगा समझ में। अब सुनना ध्यान से, वापस बता रहा हूं, यहां पर सी एस थ्री सी डबल एच के कितने मोल लिए थे, दो, जो यहां पर जुड़कर एक मोल बन गया था, बना था एक मोल। अब सुनना, अब मैं ये कह रहा हूं कि एक मोल कैसे ज्ञात किया आपने, तो यहां जितने मोल थे वो यहां आपने डिवाइड कर दिए, कैसे किया आपने, तो यहां दो मोल थे कुल, वहां से दो गए थे, दो बटे दो कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक मोल के लिए निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, दो बटे एक, दो मोल के लिए निकालना हो तो क्या करूंगा, दो बटे एक किया। तो अब यही तो किया हमने कि यहां से अल्फा गया तो अल्फा जितना गया वो और यहां जितना है उसको डिवाइड कर दिया, किया क्या हमने, ध्यान से देखना, यहां दो मोल अगर जाते हैं तो यहां कितना बनता है, एक मोल। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर एक मोल गया तो आधा हो रहा है ना काम, यहां दो बन रहे थे तब यहां एक बना, अगर यहां एक जाएगा तो यहां कितना बनेगा, आधा, दो का आधा एक हुआ तो एक का आधा क्या हो जाएगा, वन बाय टू। तो आपने वन बाय टू क्या किया, जितना मोल यहां से जा रहा है वो ऊपर लिख दिया, यहां जितने थे वो यहां लिख दिया, तो यहां पर भी वही क्या, अल्फा जा रहा था अल्फा को ऊपर लिख दिया, यहां जितना है नीचे लिख दिया, तो यहां कितना बना, अल्फा बाय एन। तो आप वीडियो को दो से तीन बार देखें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या, संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या, संगुणन के पूर्व मोल संख्या कितनी आ गई आपके पास, तो वन प्लस जीरो बराबर क्या आ गया, वन। अगला आप क्या लोगे, संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, अगला आपने क्या किया, संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, तो क्या आ गया, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, क्या आ गया, वन माइनस अल्फा अल्फा बाय एन, स्क्वायर इट इज रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, आई का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आई का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो आई बराबर संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या बटे संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या,
बटे समगुणन के पूर्व मोलों की संख्या। तो आई का मान निकालना है, समगुणन के पश्चात मोल कितने हैं, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइड बाय समगुणन के पूर्व मोल कितने हैं, एक। अब इस एक को मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, अब मैंने क्या किया, अब ये वन को लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो आपके पास क्या बनेगा, आई बराबर वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय वन एन। अब ये वन उधर चला जाएगा, आई माइनस वन बराबर अल्फा बाय एन माइनस अल्फा, इस अल्फा को मैंने थोड़ा सा पीछे लिख दिया है, तो क्या बनेगा अगली स्टेप आपके पास, आई माइनस वन बराबर नीचे क्या आ गया आपके पास एन, तो ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा या वन, तो एन अल्फा माइनस अल्फा एन, ये आ गया फॉर्मूला। इस एन को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो एन आई माइनस वन इक्वल टू अल्फा कॉमन वन माइनस एन, अल्फा कॉमन वन माइनस एन, तो अल्फा क्या बन जाएगा आपके पास एन आई माइनस वन डिवाइड बाय वन माइनस एन डिवाइड बाय वन माइनस एन, ये फॉर्मूला बन गया क्या बना। तो हमारे पास बना ये कि आपने क्या किया, इस वन को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात वही है, आपके पास ये बचा वन को उधर ले गए आई माइनस वन, यहाँ क्या बचा अल्फा बाय एन माइनस अल्फा, एलसीएम लिया एन आया, तो आपने इसको सोल्व किया क्या गया अल्फा माइनस अल्फा एन, इस एन को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एन आई माइनस वन अल्फा कॉमन वन माइनस एन, तो अल्फा क्या हो जाएगा ये इधर डिवाइड में चला जाएगा एन आई माइनस वन डिवाइड बाय वन माइनस एन। ये आपका लास्ट टॉपिक पूरा हुआ। इस तरीके से हिंदी मीडियम में भी हमने सॉल्यूशन विलियन जो चैप्टर हमारा था उसको हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। अब मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक आप पहुंचाएं, और आप सारे वीडियोस अगर देख चुके हैं तो कमेंट सेशन में जरूर लिखें कि यस सर वी कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर, हमने हमारा सेकेंड चैप्टर पूरा कर लिया है। प्लीज 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 आप सभी कमेंट सेशन में लिखना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक आप शेयर करें। अगर आपका कंफर्मेशन आ जाता है कि यस सर हम सारे वीडियो देख चुके हैं, तो फिर मैं न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का, इस चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल एक भी नहीं देखे हैं, तो जैसे ही आप अगर बात कर लेते हैं तो मैं फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आऊंगा। इसलिए आप कंफर्मेशन देना नहीं भूलें, आप अपना कंफर्मेशन हमें जरूर भेजें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।